हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव हॉल, जहां पर मैं मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अमेजोन के हॉल से शुरू करते हैं, क्योंकि काफी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अमेजोन से खरीदे हैं मेकअप एंड ब्यूटी रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये लॉरल का एलवीव ड्रीम लॉन्ग स्ट्रेट फ्रिज किलर सीरम है। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फ्रिजी है, और मैं यूजुअली गार्नियर का जो हनी ट्रेजर्स सीरम है वो यूज़ करती हूँ। लॉरेल का भी एलवीव सीरम है मेरे पास। मैं सोचा कि वो खत्म होने वाला है तो मैं इसे खरीद लेती हूँ। इस वेरियंट को कभी मैंने ट्राई नहीं किया है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई इट। इसके बारे में मैंने ठीक ठीक बातें सुनी है, नथिंग चमत्कारी, सॉर्ट्स ऑफ, सो लेट्स सी हाउ इट इज, हाउ इज द कंसिस्टेंसी। बाकी तो बाल पे लगाने के बाद ही समझ आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। बहरहाल कुछ ऐसा दिखता है। आई लाइक द कंसिस्टेंसी, और इसमें काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इट्स अ प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, बट या दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक ऑन। तो जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी, मैं लॉरियल का कोई और है सीरम यूज कर रही हूँ एंड आई रियली लव इट। और मैंने सोचा कि इस वाले को भी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज फ्री करके लिखा हुआ है। लेट्स सी कि कितना मेरे हेयर फ्रिज को हटा पाता है। एंड इट फेल्ट रियली नाइस ऑन माय स्किन एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस। मूविंग ऑन, ये लॉरियल का आई सीरम है और ये काफ़ी पॉपुलर है। मैंने वेस्टर्न यूट्यूबर्स को इसको यूज़ करते हुए देखा है, मॉर्गन टर्नर को मैंने यूज़ करते हुए देखा था। आई गॉट इंट्रीग्ड और मैंने सोचा कि चलो इसे खरीदते हैं। ये हेलोरॉन एक्सपर्ट है, 6.5% हेलोरॉनिक नायसिनमाइड कैफीन है ये आई सीरम है। करेक्ट्स डार्क सर्कल्स, स्मूदन्स आई रिंकल्स, फ्रेग्रेंस फ्री है ये। लॉरियल का हेलोरॉन जो रेंज है उसमें से मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं। अभी उसकी एक आई क्रीम भी हमने खरीदी है, तो आई जस्ट शो यू इन अ बिट। पर ये जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा दिखता है, और इसका जो एप्लीकेटर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें ना तीन मेटल बीड्स हैं, सो दैट इज़ प्रेटी इंटरेस्टिंग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई डोंट नो वट शेल आई से, पर मुझे इतना पता है ये 20 ml का बॉटल है, ये बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता मैं इसे कितना यूज़ करके ख़त्म कर पाऊंगी, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई इट, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी, मुझे नहीं याद कि खरीद के ट्राई किया हो। और मेरी जो डार्क सर्कल्स है उस पर ये कुछ करे ना करे, आई जस्ट डोंट हैव द एम ऑफ यू नो रिड्यूसिंग द डार्कनेस। बस मैं अपने अंडर आइज को मॉइस्चराइज रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस सीरम को खरीदा। मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने कहा कि हमने आई क्रीम ही खरीदा है, क्योंकि मुझे ये आई क्रीम बहुत अच्छा लग रहा था। इवन माई हस्बैंड लाइक इट, सो वी वर लाइक ओके फाइन लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये लॉरेल का हेलोरॉन एक्सपर्ट आई क्रीम है प्लस AHA, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हमने इसे यूज किया है एंड यस, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। इट कीप्स आर आईज, अंडर आईज नरिश्ड, और रात को मैं इसे यूज करती हूँ एंड वेरी इजी टू वर्क विथ है। अच्छा है, इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा है, क्रीमी है, इजीली वो ना स्किन पे ग्लाइड हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। एंड कुछ ऐसा ठंडा ठंडा ऐसा कुछ नहीं लगता है। इट्स अ नॉर्मल आई क्रीम, जैसे आप फेस पे कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो उसी तरह अपने अंडर आईज को भी ध्यान में रखो, उसका ख्याल रखो। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस फेस सीरम। तो ये वेट एंड वाइल्ड का प्राइम फोकस प्राइमर सीरम है, और ये हाइड्रेटिंग वेरियंट है, रोज वाटर, वाटरमेलन एंड पियोनी युक्त है। एंड मैंने इसे कभी भी ट्राई नहीं किया। मैंने देखा है इस प्रोडक्ट को काफी लोगों को यूज करते हुए, अपेरेंटली ये ड्राई स्किन टाइप गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस। कम्स विद अ ड्रॉपर, लुक्स फंक्शनल, इसमें हल्की सी भीनी सी खुशबू भी है, बट काफी फ्रूटी सी सेंट है। आई डोंट नो इफ इट इज सूट माई सेंसिटिव स्किन और नॉट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस। दो लेट्स मूव ऑन, और मैंने अमेजोन से ये दोनों ब्रांड्स के आई प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पेरिपेरा का इंक थिन थिन ब्रश लाइनर है, आउटर पैकेजिंग कुछ ऐसे दिखती है। मैंने पेरिपेरा के कभी भी आई मेकअप प्रोडक्ट्स तो कम से कम नहीं ट्राई किए हैं, लिप प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं। और ओह, इट हैज गॉट पिंक। ओके, दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। लुक्स नाइस, स्केच पेन जैसा फीलिंग दे रहा है बाय द वे मुझे। ओके, लुक्स गुड, पिगमेंटेशन तो है। देखते हैं जब मैं इसे अपने आईज पे अप्लाई करूंगी तो कैसा पे ऑफ मिलेगा। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये मेवलिन का टैटू लाइनर है और ये ब्राउन वेरियंट में है। मैंने इसे खरीदा है क्योंकि ये ब्राउन वेरियंट में है, और अगर आपको पता नहीं है तो मुझे एसेंस कॉस्मेटिक्स का हॉट
चॉकलेट वेरिएंट बहुत अच्छा लगता है, और वही मैंने आज भी अपने आईज पे अप्लाई कर रखा है आईलाइनर के तौर पे, या फिर मैं अपने वाटर लाइन पे भी उसे अप्लाई करती हूँ, और वो मैं ख़त्म करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मेबलिन का ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वायरल है, मैं सोचा तो चलो खरीद के देखते हैं, एंड आई एम रियली हैविंग हाई होप्स फ्रॉम दिस वन। ये मेबलिन का टैटू लाइनर है, एंड दिस वन इज इन द वेरियंट बोल्ड ब्राउन, एंड लेट्स वॉच इट एंड सी हाउ इट इज। ओह इट्स क्रीमी, पर ये अगेन डीप ब्लैक की तरफ ही लीनिंग है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस, एंड देखते हैं ये प्रोडक्ट भी कैसा निकलेगा। स्वॉच करने पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मूविंग ऑन, मैंने जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वायरल प्रोडक्ट है आज की तारीख में इंटरनेट पे, वो मंगाया है और एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं, तो ओवरऑल मुझे ये 1,000-1,200 रुपये का पड़ा है प्रोडक्ट। बट देर वॉज नो अदर वे दैट आई वॉज गोइंग टू गेट इट इन UAE, क्योंकि UAE में इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, अमेजोन पे ही मुझे सही प्राइस में मिलते हैं, और सच को तो 1,000 रुपये महंगा है। बट या आई रियली वॉन्टेड टू एड दिस प्रोडक्ट टू माई कलेक्शन। सो या मैंने एल्फ का केमो लिक्विड ब्लशर इन द वेरियंट डस्टी रोज पिक किया है फ्रॉम अमेजोन, एंड आई पेड शिपिंग चार्जेस एज वेल। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, और सबने इसको रेयर ब्यूटी के लिक्विड ब्लशर के साथ कंपेयर किया है। काफ़ी अच्छे शेड भी मिलते हैं आपको, एंड आई पिक दिस वन अप बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू कंपेयर इट विथ माई रेयर ब्यूटीज ब्लशर इन द वेरियंट बर्थ, विच आई एब्सोल्युटली लव। वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फॉर्मूला वाइज भी और शेड वाइज भी, एंड ये जो है कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज क्विट टाइनी, पर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई इट ऑन माई चीक्स। इसका स्वाद जो है वो भी मैं इंसर्ट कर दूंगी आपके रेफरेंस के लिए। आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है या नहीं, प्लीज़ मुझे बताना जरूर से कमेंट सेक्शन के थ्रू। मूविंग ऑन, मैंने ये सैटिन का पिलो कवर खरीदा है। इसमें आपको दो पिलो कवर मिलेंगे, बेसिकली एक पैर मिलेगा। ये बहुत अच्छा कपड़ा लगा और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट। एंड अगर आपको भी अपने बालों का और अपने चेहरे का ख्याल रखना है, तो आप सैटिन पिलो कवर को जरूर से ट्राई करना, इट विल हेल्प यू। ओके, देन आई परचेज दिस वन। ये मैंने पहली बार खरीदा है, मैंने काफ़ी लड़कियों को इसे यूज़ करते हुए देखा था। ये एक्चुअली पिंक कलर में आ रहा है, और इसमें तो पिंक वाला एक्चुअली मैंने यूज़ कर लिया है, तो वो धुलने रखा हुआ है, और ये बेबी ब्लू कलर में है। ओके लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट नमशी। तो रमज़ान की सेल लगी हुई थी और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं नमशी से, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। तो इस बार मुझे ये प्रोडक्ट बहुत सही प्राइस पर मिल गया, इसलिए मैंने इसे पिक किया। लेट मी शो यू व्हाट इज़ दिस। ये गेस का एक एक्सेसरी है जो मैंने पिक किया है, एंड काफ़ी अच्छे से सिक्योरली इसमें डाला हुआ है। लेट्स सी टुगेदर। और मुझे पता था कि इसका साइज क्या होगा, सो आई एम थैंकफुली नॉट डिसअपॉइंटेड। आई जस्ट लव्ड दिस पेयर ऑनलाइन। तो ये मैंने गेस का इयर रिंग खरीदा है स्टड, एंड आई लव दिस शेप। वाओ, एंड चूंकि ये डब्बे में बंद करके नहीं दिया उन्होंने, तो डब्बे का पूरा खांचा ही मुझे दे दिया कि खुद ही बनाते रहो डब्बा। आई थिंक सो ये वही है, दैट्स वॉट आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस। मूविंग ऑन, मैंने निक्स का ये लिक्विड आई शेडो खरीदा है। अगर आप मेरी वीडियोज को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा निक्स का ग्लो शॉर्ट्स लिक्विड आई शेडो इन द वेरियंट वाओ ककाओ जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करता है। इसमें बहुत सारे वेरियंट्स थे जो मुझे पसंद आ रहे थे, पर मैंने अपने आप को रोका, मैंने सोचा चलो एक ही खरीदते हैं बिकॉज आई लव द फॉर्मुलेशन एंड द कलर। दिस वन इज इन द वेरियंट प्लम प्लेयर, एंड लुक एट दैट शेड, इट्स सच अ ब्यूटिफुल शेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले विद दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने निक्स का शाइन लाउड लिप लाइनर खरीदा है इन द वेरियंट सोफी लाइफ। इसका जो लिपस्टिक है वो तो अवेलेबल नहीं था, वो होता तो मैं खरीदती, पर मैंने ये लिप लाइनर भी खरीदा है। ये मूवी बेरी शेड है जो कि आज मेरे नेल पेंट के साथ भी मैच करता है। लेट मी ओपन दिस, आई विल बी राइट बैक। सो दिस इज हाउ द लिप लाइनर लुक्स लाइक, शेड इज लुकिंग स्टनिंग, लेट अस वॉच इट। टूट गया ये तो, ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा टूटा हुआ दिखेगा, बट नो प्रॉब्लम, शेड बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो किसी तरह से एंटरटेनिंग रही होगी। आप मुझे बताना कि आपको आज की वीडियो में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने आपको दिखाए उनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर देख लेना इन केस यू आर इंटरेस्टेड। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।